और इसी बीच हरिद्वार से एक और बड़ी खबर है, जहां पर तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर झड़प देखने को मिली है। भुगतान को लेकर परिजनों और स्टाफ के बीच चले हैं लात घूसे। मारपीट में तीमारदारों ने अस्पताल स्टाफ को जमकर धुना है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया है। फिलहाल मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर भुगतान को लेकर परिजन और अस्पताल स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई और लात घूसे जमकर यहां पर चले हैं। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ की जमकर धुनाई कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मारपीट खुले तौर पर अस्पताल में की गई है, जिसके चलते पुलिस सूचना जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिलहाल शांत करा दिया गया है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता मयूर सैनी इस खबर पर जरा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, जिस तरीके से तीमारदार और जो अस्पताल का स्टाफ है उसमें मारपीट हुई है, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जो हरिद्वार का जो देवभूमि हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें जो है रात में जो है स्टाफ के बीच और जो परिजन है उनको लेकर जो है भुगतान को लेकर जो है कहीं ना कहीं कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आपस में जो है स्टाफ और जो परिजन जो उनका लाभ घुसे चलने लगे, और साफ तौर से ये पूरा मामला जो है सीसी कैमरे में जो है कैद हो गया था। उसको जो है आपस में इतना मारा पीटा गया है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, परिजन और अस्पताल स्टाफ के बीच ये मारपीट बताई जा रही है, भुगतान को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद स्थिति इस तरीके से बिगड़ी कि मारपीट की नौबत वहां पर आ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, अस्पताल प्रशासन और साथ ही साथ परिजनों को समझा बुझाकर मामला फिलहाल शांत करा दिया गया है। हरिद्वार से ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच भुगतान को लेकर जमकर लात घूसे चले हैं। अस्पताल में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके बाद वीडियो लगातार पुलिस देख रही है और मामले पर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला शांत करा दिया गया है, अब मामले पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। हरिद्वार से ये जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच जमकर लात घूसे चले हैं। अस्पताल का जो बिल था उसको लेकर ये मारपीट बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले को फिलहाल शांत करा दिया गया है। पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके बाद ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, जिस तरीके से जो परिस्थिति बनी हुई है, जहां पर जमकर मारपीट हुई है, क्या मुख्य वजह है? मयूर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास हमारे संवाददाता से किया जा रहा है। तो यह हरिद्वार से जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर लात घूसे चले हैं। अस्पताल के बिल को लेकर यह मारपीट बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना जैसे पुलिस को मिली पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। समझाने का प्रयास दोनों तरफ से किया गया है। फिलहाल मामला अब शांत हो गया है।